बहुत दुविधा में है क्योंकि इनकी जो इनसे वादे किए गए थे वो बिल्कुल भी पूरे नहीं हुए और आपके समक्ष अपनी बातें रखना चाह रहे हैं भैया ये लोग। ये अध्यक्ष महोदया उनकी आपसे बात करना चाहेंगे या निवेदन करना चाहेंगे। बोलिए। मैं श्रीमती मंजू वारी नर्सेस एसोसिएशन के अध्यक्ष बोल रही हूँ। सबसे पहले आप मेरा जी आप सबसे पहले मेरा आप प्रणाम स्वीकार करें। मैं कुछ आपके सामने अपनी मांगे पूरी रखना चाहती हूँ तो कृपया आप मेरी मांगे ऊपर तक पहुँचाइए। मुझे आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी मांगे ऊपर तक पहुँचाएंगे। बिल्कुल पहुँचाऊंगा। आपके जो 12 मांगे हैं उसकी जानकारी मुझे है जी, तो मैं क्या आपके सामने वो 12 मांगे बोल सकती हूँ क्या? हाँ बोल सकते हैं जी। अन्य राज्यों की तरह सेकंड ग्रेड उच्च स्तरीय वेतनमान लागू किया जाए। 2004 के बाद नियुक्ति सभी स्टाफों की पुरानी पेंशन योजना चालू की जाए। कोरोना काल में द्वारा जितनी भी घोषणाएं की स्टाइफंड मिल रहा है जो कि 13,000 रुपए मिलना चाहिए वो अभी तक हम लोगों को नहीं मिल रहा है। कमलनाथ जी जब तक थे तब तक हम लोगों को लगा कि शायद हम लोगों का काम पूरा हो जाएगा, लेकिन उनके जाने के बाद तो हमको विश्वास ही खत्म हो गया। असहाय महसूस करते हैं हम लोग। कमलनाथ जी रहते थे शायद हम लोग की बहुत हेल्प करते, लेकिन अभी भी हमें विश्वास है कि शायद हम लोग की मांगे आप तक ऊपर पहुंचाएंगे। नहीं नहीं, आपकी मांगे मैं बिल्कुल ऊपर तक पहुंचाऊंगा जी। ये जो आपकी मांगे हैं आप इसको जरा साइन करके मेरे नाम से प्रबल को पकड़ा दीजिए जी। मैं मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखूंगा और अगर जरूरत पड़े तो दिल्ली की संसद में भी इस मुद्दे को उठाऊंगा। धन्यवाद। मध्य प्रदेश की नर्सों के साथ क्यों हो रहा है जी? मध्य प्रदेश की नर्सों के साथ ही हो रहा, और जगह समान वेतन दिया जा रहा है लेकिन हम लोगों को ही सिर्फ नहीं। मध्य प्रदेश कांग्रेस की गवर्नमेंट है, जैसे छत्तीसगढ़ और राजस्थान वहाँ पर तो मिल रहा है सेकंड ग्रेड पे, लेकिन हम लोग के यहाँ बस मध्य प्रदेश में नहीं मिल पा रहा है। आप लोगों के साथ बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है सरकार की तरफ से। आपसे झूठे वायदे किए गए हैं। मैं आप लोगों को आश्वासन दिलाता हूँ आपकी जो मांगे हैं वो एकदम जायज है और आपकी लड़ाई मैं लड़ूंगा, भोपाल में लड़ूंगा, दिल्ली में लड़ूंगा। धन्यवाद जी भाई साहब। धन्यवाद धन्यवाद बहुत धन्यवाद। भैया बहुत बहुत धन्यवाद भी आपका। लेकिन अभी भी हमें विश्वास है कि शायद हम लोग की मांगे आप तक ऊपर पहुंचाएंगे। नहीं नहीं, आपकी मांगे मैं बिल्कुल ऊपर तक पहुंचाऊंगा जी। ये जो आपकी मांगे हैं आप इसको जरा साइन करके मेरे नाम से प्रबल को पकड़ा दीजिए जी। मैं मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखूंगा और अगर जरूरत पड़े तो दिल्ली की संसद में भी इस मुद्दे को उठाऊंगा। धन्यवाद। मध्य प्रदेश की नर्सों के साथ क्यों हो रहा है जी? मध्य प्रदेश की नर्सों के साथ ही हो रहा, और जगह समान वेतन दिया जा रहा है लेकिन हम लोगों को ही सिर्फ नहीं। मध्य प्रदेश कांग्रेस की गवर्नमेंट है, जैसे छत्तीसगढ़ और राजस्थान वहाँ पर तो मिल रहा है सेकंड ग्रेड पे, लेकिन हम लोग के यहाँ बस मध्य प्रदेश में नहीं मिल पा रहा है। आप लोगों के साथ बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है सरकार की तरफ से। आपसे झूठे वायदे किए गए हैं। मैं आप लोगों को आश्वासन दिलाता हूँ आपकी जो मांगे हैं वो एकदम जायज है और आपकी लड़ाई मैं लड़ूंगा, भोपाल में लड़ूंगा, दिल्ली में लड़ूंगा। धन्यवाद जी भाई साहब। धन्यवाद धन्यवाद बहुत धन्यवाद। भैया बहुत बहुत धन्यवाद भी आपको। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।